स्वागत है सभी का हाइड्रोलिक्स की इस लेक्चर सीरीज में। आज हम वाल्व के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने जो पढ़ रखा है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पढ़ लिया है, उसके बाद सेकेंड अपन ने फ्लो कंट्रोल वाल्व पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब थर्ड अपना है नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व, ठीक है। दो नाम है इसके, नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व, ठीक है, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। कोई एक नाम और है इसका शॉर्टकट में, इसको ये ज्यादा पॉपुलर है, इसको क्या बोलते हैं, NRV। क्या बोलते हैं इसको, NRV। तो ये भी ध्यान रखना, अक्सर ये शब्द सुनने में आता है सबमर्सिबल की मोटर वगैरह जहाँ रिपेयरिंग मेंटेनेंस कुछ भी होता है, तो NRV जो शब्द बोलते हैं उससे क्या मतलब है, नॉन रिटर्न वाल्व से मतलब है उसका, ठीक है। तो ये सबमर्सिबल जो घर में उपयोग होता है इसमें ये वॉल्व लगाया जाता है, ठीक। तो इस वॉल्व का क्या पर्पस क्या रहता है, अपने नाम से इसका समझ में आ रहा है अपने को कि नॉन रिटर्न वाल्व मतलब जो क्या करें, रिटर्न ना जाने दें, क्या करने जाने दें, जो रिटर्न ना जाने दें उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक है। अब नॉन रिटर्न वाल्व का फंक्शन आया समझ में, ये पाइप है, अगर इसमें यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व लगा देंगे तो क्या हो गया, जो फ्लूड है वो ऊपर तो जा सकता है मगर वो फ्लूड रिटर्न नहीं आ सकता है। देखो यहाँ पे चित्र दिख रहा है, ये चित्र के माध्यम से अपन समझ सकते हैं ये नॉन रिटर्न वाल्व का है। देखो ये नॉर्मल फ्लो जाएगा तो क्या होगा, ये जो डिस्क प्लेट है ये ऊपर हो जाएगी और क्या कर देगी, ये रास्ता पूरा साफ कर देगी, तो क्या होगा, पानी बाहर जा सकता है, मगर जब कभी रिटर्न आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये वापस फ्लो को रोक देगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये वाल्व, तो इस वाल्व के बारे में अपने को जानकारी रखना है पूरी। इस वाल्व की एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं अपन इसकी ड्राइंग से। ये देखो इसमें जो पार्ट्स के नाम दिए हैं नॉन रिटर्न वाल्व के, सबसे पहला दिया हुआ है क्या, केप। क्या दिया हुआ है, केप। तो ये केप का क्या पर्पस है, केप का पर्पस यही है कि यहाँ पे क्या होता है, पूरा फंक्शन है इसका वाल्व का, मतलब मेंटेनेंस का काम अगर आएगा तो कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा और कहीं पे नहीं आएगा। तो ये केप इसलिए दी हुई है कि इस केप को ओपन करके क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस का जो भी काम रहेगा वो कर सकते हैं, जैसे कि ये डिस्क खराब हो जाए या यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह फंस जाए, इस टाइप से जो भी रहेगा वो सारा फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा दिया हुआ है सेकेंड नंबर पार्ट्स का नाम क्या है, स्टॉप प्लग। देखो स्टॉप प्लग का क्या काम है, स्टॉप प्लग का क्या काम है कि ये जो जब ओपन होगा फ्लो आएगा, वो फ्लो से जब ओपन होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसको स्टॉप कर देगा, इसके ऊपर इसको नहीं जान देगा, नहीं तो क्या होगा, ये ज्यादा ऊपर चला गया तो हो सकता है क्या कि ये ऊपर ही अटक जाए, क्या हो सकता है कि ये ऊपर ही अटक जाए और फिर रिवर्स फॉरवर्ड दोनों चालू हो जाए। तो इसलिए क्या दिया हुआ है, स्टॉप प्लग दी हुई है ताकि ये ज्यादा ऊपर ना जाने दे, और अगर ये जो स्टॉप प्लेट है, ये डिस्क है जो अगर ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी तो ये जब बैक फ्लो आएगा तो ये वापस से सीट में बैठ जाएगी, ठीक है। अब थर्ड क्या है, हिंज प्लेट। तो देखो हिंज पिन, सॉरी क्या है, हिंज पिन। देखो हिंज मतलब क्या होता है, हिंज मतलब अगर अपन ऐसे बोलें तो कब्जा होता है एक तरीके से, जो दरवाजों में खिड़कियों में रहता है उसको टेक्निकल में क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, ठीक है। जैसे लैपटॉप में भी हिंज रहते हैं, जो उसको उसकी डिस्प्ले को जो ओपन क्लोज होते हैं तो वो जहाँ मूवमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हिंज पिन, मतलब एक तरीके से कब्जा है ये। उसके बाद हिंज, ये पूरा क्या बनता है, हिंज बनता है, जो एक पिन को छोड़ के जितनी दो प्लेटें रहती हैं जिसमें नट बोल्ट का साथ है उसको क्या बोलते हैं, हिंज और पिन, ठीक है। अब डिस्क हिंज नट, अब ये देखो ये नट दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये हिंज जो है उसमें क्या कर रहा है, डिस्क को कस रहा है, इसलिए इसका क्या नाम क्या, डिस्क हिंज नट, ठीक है। अब उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे क्या है, डिस्क। सबसे मेन कंपोनेंट है ये डिस्क, क्योंकि क्या करता है, पूरे फ्लो को यही रोकता है, ठीक है। इसमें यहाँ रबर के अगर ज्यादा प्रिसीजन हो, अगर अपने को बहुत फाइन कंट्रोल करना हो तो रबर के वो वाशर भी लगाते हैं, और अगर नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। और लास्ट में क्या है, इसकी बॉडी। तो जो बचा हुआ पूरा है ये क्या है, इसकी बॉडी, और बॉडी में सारे कंपोनेंट है। और ये थ्रेड दिख रहे हैं, ये क्या है, पाइप को कसने के लिए, किसके लिए, ये
पाइप को कसने के लिए, ठीक है। तो अब पार्ट समझ लिए अपन ने पूरे। मटेरियल देखो इसका, कास्ट आयरन का जनरल पर्पस के लिए, बाकी पीतल के भी बनते हैं ये। पीतल के अधिकतर अपन देख सकते हैं इनको, क्योंकि क्या पानी से खराब नहीं होना चाहिए, और हाइड्रोलिक्स में रहते हैं तो हाइड्रोलिक्स में भी हाई ग्रेडेड स्टील रहता है, उसके बनते हैं ये, है ना। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोलिक्स में भी इसका बहुत महत्व है। ये जैसे फिल्टर हुआ, फिल्टर में वन वे होता है, उसी डायरेक्शन में फ्लूइड जाना चाहिए। जो फिल्टर होता है जो हाइड्रोलिक्स ऑयल को क्लीन करने का काम करता है, तो उसमें क्या होता है कि वन वे होता है वो। अगर रिवर्स अपन ने प्रोसेस करी तो क्या होगा, जैसे इस दिशा में अगर फ्लूइड जाएगा तो क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा, तो अगर रिटर्न आएगा तो फिल्टर नहीं करेगा। तो इस पोजिशन में नॉन रिटर्न वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका जनरल पर्पस और हाइड्रोलिक्स दोनों में बहुत महत्व है। अब उसके बाद देखो, दो दो प्रकार के होते हैं ये। एक तो ये डिस्क टाइप है, कौन सा है ये, डिस्क टाइप। इसमें क्या है, डिस्क लगी हुई है। क्या लगी हुई है इसमें, डिस्क लगी हुई। तो ये ध्यान रखना है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कैसे होते हैं, एक डिस्क टाइप होता है और सेकंड होता है बाल टाइप। सेकंड कौन सा होगा, बाल टाइप। देखो जब फ्लो जाएगा तो बाल क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, और जब फ्लो रिटर्न आने की कोशिश करेगा तो बाल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और यहाँ सीट में क्या हो जाएगी, वो बैठ जाएगी और फ्लो को क्या कर देगी, रोक देगी। तो ये इसका बहुत महत्व है। ये दोनों वाल्व कौन से हैं, नॉन रिटर्न वाल्व, और इनके टाइप कौन कौन से, एक तो डिस्क टाइप और एक बॉल टाइप, ठीक है। तो अब तो ये अपने आज तीन वाल्व कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो इसी के साथ अब से अब एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कि डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जो कि डिटेल डिस्कशन होगा उनका, और नेक्स्ट डे के लिए 10 एमसीक्यू एडवांस में दिए जाएंगे, ताकि आप उसका स्टडी, सेल्फ स्टडी करके और अगले दिन वीडियो से उसका पूरा एनालिसिस देख सकें। तो बहुत जल्दी ये प्लेलिस्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।